हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 8 मोशन। 9th क्लास का चैप्टर है और इस चैप्टर में हम जानेंगे मोशन क्या है, मोशन से रिलेटेड कुछ और भी टर्म्स। तो बात करें मोशन की, तो मोशन जो है ये है चेंज इन पोजीशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन चेंज करता है टाइम के साथ भी, जैसे एक सेकंड बाद यहाँ है, दूसरे सेकंड बाद आगे गया, फिर आगे, तो जब अपनी पोजीशन चेंज करता रहेगा तो वो मोशन में होगा। अब इसी से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स आ जाते हैं, इसी को अलग अलग नज़रिए से हम देखेंगे कि जो पोजीशन जो चेंज होंगी, पोजीशन क्या है, व्हाट इज पोजीशन। पोजीशन इज लोकेशन या पोजीशन भी हमारे पास एक रिस्पेक्ट में रहती है, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन हम किससे लेंगे कि अगर ये पॉइंट है, ये पॉइंट कि पोजीशन क्या है, पॉइंट बोर्ड पे, हर बोर्ड पे करीब करीब सेंटर में होने मतलब क्या कि यहाँ से ऊपर से लेफ्ट से राइट से हर जगह से इसका जो डिस्टेंस है वो सेम होगा, तो इसलिए हमने इसको बोला कि इसलिए सेंटर में है। तो पॉइंट के पास एक पोजीशन है, ऐसे हर ऑब्जेक्ट के पास किसी न किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में, किसी न किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसके पास एक पोजीशन होगी। अगर वो अपनी पोजीशन बार 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 चेंज कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो मोशन में है। मोशन में अपनी पोजीशन चेंज करेगा टाइम के साथ, एक सेकंड पहले या एक घंटे पहले वहां था, एक घंटे बाद आगे गया, फिर अगले घंटे में आगे गया, तो हर टाइम पे अगर वो अपनी पोजीशन चेंज करता है तो वो ऑब्जेक्ट होता है मोशन में। अब उसने कितनी पोजीशन चेंज की इस पर बात करें, भी पोजीशन तो चेंज हुई, अब चलो देखते कितनी पोजीशन चेंज हुई। अब मोशन में हमारे पास कुछ टर्म्स आती हैं, जैसे डिस्टेंस कि अगर एक बॉक्स अभी यहाँ है और किसी ने इसके ऊपर धक्का लगाया तो कुछ सेकंड्स बाद या कुछ टाइम बाद वो बॉक्स यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पे किसी ने इसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई किया और ये बॉक्स यहाँ से यहाँ पर आ गया, तो इसने कुछ दूरी तय की, इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया। और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी देर में कवर होगा वो बाद में देखते हैं, लेकिन ये डिस्टेंस यहाँ पर कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस यहाँ कवर हुआ। ये जो डिस्टेंस कवर हुआ दैट इज ये दूरी, और इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। किसी ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, वे कुछ टाइम पहले यहाँ था और कुछ टाइम बाद यहाँ चला गया, जैसे टाइम चेंज हुआ ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी चेंज हो गई। तो जब ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा था तब ये किसमें था, मोशन में। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, एक सेकेंड बाद, दो सेकेंड बाद, तीन सेकेंड बाद, एक घंटे बाद ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही, मतलब ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है। अगर मोशन में होता तो पोजीशन चेंज करता टाइम के साथ, मोशन में नहीं है तो पोजीशन भी चेंज नहीं करेगा। पोजीशन चेंज नहीं करा तो मोशन में भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा। डिस्टेंस के उसने मोशन में रहते रहते उसने कितनी दूरी तय कर ली, मोशन में रहते रहते उसने कितनी दूरी तय कर ली, दैट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं, टोटल पाथ लेंथ। ओके, टोटल पाथ लेंथ इज डिस्टेंस। ऐसे ही एक टर्म और है हमारे पास मोशन में, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, तो जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि जो पोजीशन है सिर्फ वो पोजीशन चेंज हुई, हमें सिर्फ इतना देखना है कि जैसे एक ऑब्जेक्ट है या फिर एक आदमी है, सीधा गया, ऐसे गया, ऐसे गया और वो आ गया यहाँ, तो यहाँ से ऐसे सीधा गया, फिर लेफ्ट टर्न किया, फिर राइट किया और फिर आगे चला गया, तो इसमें जो इसका डिस्टेंस होगा वो टोटल पाथ भी कितना चला, ये मोशन में यहाँ से लेके यहाँ तक वो मोशन में रहा होगा, जितने टाइम तक वही, जब तक वो मोशन में रहते रहते उसने कितनी दूरी तय कर ली, तो मोशन में रहते रहते इसने इतनी दूरी तय कर ली, ये डिस्टेंस कवर किया इसने। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि उसकी पोजीशन में कितना चेंज आ गया, भाई पोजीशन में चेंज आया, पहले यहाँ था अब यहाँ है, तो पोजीशन में उसके सिर्फ इतना सा चेंज आया है, पोजीशन में जो चेंज आया वो सिर्फ इतना सा आया, सिर्फ पोजीशन में चेंज बात की बात करें, डिस्प्लेसमेंट जो उसका प्लेस है वो चेंज हो गया ना, डिस मतलब है ही नहीं और प्लेसमेंट मतलब उसकी जो पोजीशन है अब वो पहले वाली पोजीशन नहीं रही, उसी पोजीशन में कुछ ना कुछ चेंज आ चुका है, और ये जो पोजीशन में चेंज आया है ये हमारे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और इसको हम एक बात और लिखते हैं, एक चीज़ और लिखते हैं, इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना,
भाई यहाँ से यहाँ तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सीधा चले तो वो क्या, वो एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जो कि डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके तो और डिस्प्लेसमेंट में ओके, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर मतलब यहाँ पर हम डायरेक्शन की बात करेंगे, और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब हम यहाँ डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस क्या, वेक्टर क्या है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड तो देखते हैं, मैग्नीट्यूड क्या है, व्हाट इज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हमारे पास जो वैल्यू अमाउंट में कितना है, कितना वो मैग्नीट्यूड, इसमें भी मैग्नीट्यूड होता है। जैसे भी तुम चले 5 किलोमीटर चले तो 5 किलोमीटर कितना चले, कितना अमाउंट है, कितना चले, वो मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर में भी मैग्नीट्यूड होगा, स्केलर भी मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन वेक्टर में एक चीज़ अलग से आ जाती है, वो आते डायरेक्शन। अगर तुम डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई करते हो तो वो वेक्टर होगा। कैसे, तुम 5 किलोमीटर चले लेकिन कौन से एंगल पे, कौन से डायरेक्शन में चले हो, यहाँ पर हम डायरेक्शन की बात करें, वहाँ होता है वेक्टर और डायरेक्शन होगी वहाँ। स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होगी, 5 किलोमीटर वॉकिंग की, तो 5 किलोमीटर वॉकिंग तुम कहीं भी कर सकते हो, लेकिन 5 किलोमीटर किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाना, दैट इज वेक्टर। ओके, डिस्प्लेसमेंट में वेक्टर होता है, इसमें हम बात करते हैं, इसमें डायरेक्शन की बात करेंगे कि जो पोजीशन में चेंज आया है वो कौन सी डायरेक्शन में आया है। कि अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो अगर इसके पोजीशन में 5 मीटर या 5 सेंटीमीटर इसके पोजीशन को अगर मैं चेंज करता हूँ तो कौन सी डायरेक्शन में चेंज करूँ, इसकी पोजीशन को यहाँ रखूँ, यहाँ 5 सेंटीमीटर पर रखूँ, या यहाँ 5 सेंटीमीटर पर, यहाँ, तो हमारे पास अलग अलग डायरेक्शंस होंगी। हमें बात करनी पड़ेगी कौन सी डायरेक्शन में हमें इसकी पोजीशन को चेंज करना है, वो वेक्टर और वो डिस्प्लेसमेंट। भाई अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये इसके राइट साइड में 5 सेंटीमीटर दूर चला गया, तो इसकी जो पोजीशन में जो चेंज आया वो राइट साइड में 5 सेंटीमीटर पर आया है, तो ये क्या होगा, वेक्टर। या फिर इसका ये जो 5 सेंटीमीटर का ये जो निकला ना, ये जो डिस्टेंस निकला है, इसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो मोशन को देख लेते हैं एक बार, ये तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट और ये सब थे। बात करें ये जो डायरेक्शन लेंगे हम, डायरेक्शन कैसे लेंगे, मोशन में डायरेक्शन कैसे ली जाएंगे, और फिर बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो लेट्स से सपोज करते हैं कि हमारे पास एक बड़ी सी एक वायर है, एक तार खींच के लगा रखी है, उसके बीच में एक पॉइंट ज़ीरो, और वहाँ पर हमने देखा एक चींटी को, हमने देखा एक चींटी को, और उस पे वायर पे, ये सब हम एग्जांपल ले रहे हैं, उस वायर पे हमने अपने हिसाब से मार्किंग कर ली, और ज़ीरो के राइट साइड में, ये हम कन्वेंशन लेते हैं, हम मान के चलते हैं कि ज़ीरो के राइट साइड वाले सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं एक नंबर लाइन पे, और ज़ीरो के लेफ्ट साइड में सारे नंबर नेगेटिव होंगे, लेफ्ट में नेगेटिव राइट में पॉजिटिव, ये मान के चलते। अब बात करें जो ऑब्जेक्ट है, फिर मैंने देखा एक चींटी यहाँ बैठी पहले ज़ीरो पॉइंट, ये सब हमारी कहानी है, सब हमारी इमेजिनेशन है, हम इमेजिनेशन में जिएंगे। अब एक चींटी को देखा जो कि यहाँ पर है, और वो देखा कि वो मूव करने लगी, वो चलने लगी, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, और यहाँ पर आ गई। ओके, तो उसकी पोजीशन में जो जो चेंज आया, अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट निकालूं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चे, डिस्प्लेसमेंट है चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। भी पोजीशन में एग्जैक्टली कितना चेंज आया और कौन से डायरेक्शन में चेंज आया, तो डायरेक्शन निकालेंगे। तो चेंज इन पोजीशन में कैसे निकालूंगा, कि अभी जो पोजीशन है, अभी जो पोजीशन है, इसमें से अगर मैं पहले वाली पोजीशन माइनस कर दूं तो मुझे चेंज पता चल जाएगा, तो मुझे चेंज मिल जाएगा। तो अभी जो पोजीशन है उसको हम बोलते हैं फाइनल पोजीशन, अभी जो पोजीशन है उसे हम बोलते हैं फाइनल पोजीशन। इसमें से इनिशियल पोजीशन को अगर माइनस कर दिया जाए, इसमें से अगर इनिशियल पोजीशन को माइनस कर दे तो हमें चेंज मिल जाएगा। अभी जो पोजीशन है वो है +3, माइनस
जो पहले जो पोजीशन थी माइनस जीरो, तो पोजीशन में कितना चेंज आया? प्लस थ्री। पोजीशन में कितना चेंज आया? प्लस थ्री। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ये प्लस थ्री होगा, डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। इसको और एग्जांपल से समझते हैं, एक दो एग्जांपल और बात करें। जैसे हमने देखा भाई पहले थ्री पे थी, ओके, थ्री से वापस आ गई। अब यहाँ से वो लेफ्ट साइड में चलना शुरू करे इसने, और चली 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 और यहाँ माइनस टू पे आके रुक गई। कहाँ गई? माइनस टू पे आके रुक गई। अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट निकालूँ इस केस में, तो पहले थ्री पे थी और अब माइनस टू पे, पहले ये थी पोजिशन उसकी, अब ये पोजिशन है। तो पोजीशन में चेंज कितना आया? तो डिस्प्लेसमेंट अगर मैं निकालूं इसका, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? वही हमारा क्या, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। तो चेंज इन पोजीशन क्या होगा? पहले पोजीशन क्या थी और अब पोजीशन क्या है? अब वाली पोजीशन में से पहले वाली पोजीशन माइनस कर दो, हमें चेंज मिल जाएगा। तो अभी वाली पोजीशन ये, फिर अभी वाली पे पोजीशन ये और पहले वाली ये, तो क्या फाइनल पोजीशन? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन क्या माइनस टू, इनिशियल पोजीशन माइनस, है ना भाई, फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन माइनस करेंगे तो फाइनल पोजीशन माइनस टू, इनिशियल पोजीशन इज प्लस थ्री। ओके, तो प्लस थ्री, माइनस टू माइनस थ्री, पोजीशन में कितना चेंज आया? माइनस फाइव। तो माइनस फाइव का चेंज आया ना, भी वन टू थ्री फोर फाइव, तो फाइव चेंज आया। और माइनस इंडिकेट्स डायरेक्शन, जो माइनस है, माइनस में क्या क्या इंडिकेट करेगा? डायरेक्शन, जो भी डिस्प्लेसमेंट आया। ओके, जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये है माइनस फाइव। अब इसका मतलब क्या है, इसे समझें। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब पांच का डिस्प्लेसमेंट है, मतलब पांच पोजीशन चेंज हुई इसके, फाइव यूनिट्स पोजीशन चेंज हुई। फाइव यूनिट भी फाइव सेंटीमीटर हो, फाइव मीटर हो, फाइव फीट हो, कुछ भी हो, वो हमारे फाइव यूनिट पोजीशन चेंज हुई। और माइनस मतलब लेफ्ट साइड में पोजीशन चेंज हुई है। यहाँ पर हमें बात करनी है सिर्फ मोशन स्ट्रेट लाइन, एक लाइन में, तो एक लाइन में हमारे पास दो डायरेक्शन होंगी, या तो राइट लेफ्ट या ऊपर नीचे। तो हम बात करें अभी राइट और लेफ्ट की, तो या तो राइट में डायरेक्शन चेंज होगी, पोजीशन चेंज होगी, या फिर लेफ्ट में। तो इस बार जो माइनस है, माइनस का मतलब क्या, जहाँ पर पहले थी वहाँ से लेफ्ट से पोजीशन चेंज होने लगी। तो माइनस हमें डायरेक्शन बताएगा और फाइव हमें पोजीशन बताएगा कि कितनी पोजीशन इसकी चेंज होगी। तो इसमें जो ये फाइव है, ये है मैग्नीट्यूड, फाइव क्या मैग्नीट्यूड, और माइनस का साइन जो है ये डायरेक्शन। तो जहां डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों एक साथ आ जाए उसको हम बोलते हैं वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा इसका? अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो टोटल पाथ भी तीन से माइनस दो पर गई होगी, तो एक दो तीन चार पांच, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सिर्फ पांच। वहां पर माइनस प्लस का कोई साइन देखेंगे नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का कोई नहीं, डायरेक्शन हमें लेनी है डिस्प्लेसमेंट में। ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। अब बात करें यूनिफॉर्म मोशन की, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा वो देखते हैं। बात करें यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन नाम से भी पता चलता है, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी मोशन होगी, और मोशन मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज स्पीड। स्पीड क्या है? नाम सुना हो स्पीड कई बार, तो स्पीड क्या है बच्चे? स्पीड है चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाय टाइम, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। ओके, या फिर इसको और आसान टर्म्स में, आसान भाषा में इसको क्या बोल सकते हैं, क्या इसे क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। स्पीड है ना, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट। जैसे कार है हमारी जो कि 50 की स्पीड पर चले, तो 50 किलोमीटर पर आर की स्पीड पे अगर एक कार चलती है, इसका मतलब है कि 50 किलोमीटर
पर आर मतलब एक घंटे में 50 किलोमीटर दूर चलेगी कार, तो एक घंटे में 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी कार। तो ये हमारा क्योंकि स्पीड हुई, स्पीड इज डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। यूनिट मतलब ये तो एक सेकंड में, एक मिनट में, या एक घंटे में, एक दिन में, एक साल में कितनी स्पीड होगी। एक यूनिट टाइम हम सिर्फ यूनिट लेंगे कि एक सेकंड में कितनी है, फिर एक घंटे में कितनी दूर जाएगी। तो डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम दैट इज स्पीड। और इसी को बोलते हैं मोशन। में मोशन में भी टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज करती है। पोजीशन चेंज करने मतलब डिस्टेंस कवर करना। यूनिफॉर्म मोशन है मतलब क्या है कि जो डिस्टेंस कवर हो रहा है ना, हम बात करें यूनिट टाइम की, तो एक यूनिट टाइम में डिस्टेंस सेम सेम कवर हो। जैसे ये कार है, ये 50 किलोमीटर स्पीड से चल रही है, तो पहले घंटे में 50 किलोमीटर कवर करेगी, अगले घंटे में भी 50 किलोमीटर कवर करेगी, और उससे अगले घंटे में भी 50 किलोमीटर कवर करेगी। मतलब हर घंटे में कार 50 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यूनिफॉर्म मोशन मतलब सेम स्पीड। यूनिफॉर्म मोशन मतलब सेम स्पीड, जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही है, वो हमारा यूनिफॉर्म मोशन। नाम से पता चलता है यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, और मोशन मतलब मोशन जो सेम है। बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यहां पर जो स्पीड है हमारी वो स्पीड चेंज होगी। ओके, डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस इज नॉट सेम या इक्वल, डिस्टेंस इज नॉट इक्वल इन यूनिट टाइम। इसका मतलब क्या होगा कि सेम इंटरवल में सेम टाइम कवर होगा। इसका मतलब क्या होगा कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग, सेम टाइम पे अलग अलग डिस्टेंस कवर होगा। तो ये हमारा डिस्टेंस नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन को और अगर डिटेल में समझने की कोशिश करें तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, क्या सेम या इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब पाँच मिनट में 5 मीटर दूर गई, तो अगले 5 मिनट में फिर से 5 मीटर दूर जाएगी, अगले 5 मिनट में फिर से 5 मीटर दूर जाएगी। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में मतलब सेम सेम टाइम पीरियड, टाइम इंटरवल ऑफ टाइम मतलब क्या, एक टाइम पीरियड हमारे पास, एक फिक्स टाइम पीरियड, एक सेकंड का टाइम हो सकता है, 2 सेकंड का भी, 5 सेकंड का, 5 मिनट का भी, कितने भी हो सकता है। तो एक ऑब्जेक्ट जो कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। इसका जो ग्राफ बनेगा हमारे पास, ग्राफ टाइम और डिस्टेंस, जो ग्राफ हमारा जो बनता है वो कुछ स्ट्रेट लाइन का बनता है। क्योंकि इक्वल अगर टाइम तुम्हारा, ये जो टाइम है ये इतना, तो ये ओके इतने टाइम पे इतना डिस्टेंस कवर हुआ, इतने टाइम पे इतना डिस्टेंस कवर हुआ, इतने टाइम अगर मैं यहाँ पर आगे ले लूँ तो भी इतना ही डिस्टेंस जितना यहाँ हुआ था उतना डिस्टेंस यहाँ कवर होगा। तो जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो ये जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कि जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस इक्वल नहीं रहेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब टाइम तो हम उतना ही ले रहे हैं, उतना ही टाइम ले रहे हैं, लेकिन उसमें जो डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं रहा। जैसे कभी ज़्यादा स्पीड में चलने लगी, कभी कम स्पीड में चलने लगी। ज़्यादा स्पीड में चल रही है तो कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो जाएगा, धीरे चल रही है तो ज़्यादा टाइम में भी कम डिस्टेंस कवर होगा। ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और स्पीड और डिस्टेंस के बारे में आज हमने पढ़ा। इससे अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसके अगले आने वाले टॉपिक्स की।